नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं हूं कृतिका आपके साथ, और आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों पर। मौका हो जब खुशियों का तो लड्डू खाइए, और जब बात हो खुशियों की सवारी की तो आपकी लड्डू कैब बहुत जल्द आपके शहर में। मानपुर थाना क्षेत्र में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में दो आरोपियों हुए गिरफ्तार। महिला से अभद्र व्यवहार को लेकर दोनों आरोपियों ने की थी रामचंद्र की हत्या। बंडा में बांध बनाए जाने के संबंध में किसानों ने दिया कलेक्टर को ज्ञापन। बांध बनने से डूब जाएगी 35,000 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि। सुल्तानपुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी कौस्तुभ कुमार ने किया प्रोजेक्ट कक्ष का उद्घाटन। बगैर विभागीय बजट के शुरू हुई स्मार्ट क्लास। इंदौर के मानपुर थाना क्षेत्र में हुई मजदूर के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। दरअसल मृतक रामचंद्र अपने साथ खेत पर काम करने वाली महिला मजदूर से अभद्र व्यवहार करता था, जो उसके साथी मजदूर रितेश और जितेंद्र को पसंद नहीं था। इसको लेकर पहले भी उन्होंने रामचंद्र को समझाया था, लेकिन रामचंद्र नहीं माना। इसी को लेकर रितेश और जितेंद्र ने रामचंद्र की हत्या की योजना बनाई और 18 फरवरी को खेत पर सोए रामचंद्र के लोहे के तार से गला घोटकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपियों ने पास में बने कुएं में उसका शव फेंक दिया। मानपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से हत्या में उपयुक्त तार को जब्त कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। ये 22 तारीख को ये रामपुरिया खुर्द के पास तालाब है, वहाँ पर एक डेड बॉडी उसके कुएं के पास में, वहाँ सरकारी कुआं है, उस पर एक संदिग्ध स्थिति में एक डेड बॉडी मिली थी। और उसमें अज्ञात, चूँकि ये डेड बॉडी थी, इसकी शिनाख्त हुई। और उसमें रामेश्वर जाट, पिता स्वर्गीय श्री धूला जी जाट ने इसमें जो है इस लाश को देख करके, उसके खेत में काम करने वाला था ये रामचंद्र उर्फ रामदास, ये जो कि भील समाज का है, इसकी लाश के रूप में शिनाख्त हुई थी। और इसमें से मर्ग पंजीबद्ध किया गया था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इसमें मर्डर की कायमी की गई थी। इसमें गला दबा करके इसकी हत्या होना सामने आया था। 302-201 IPC के तहत प्रकरण 47/2019 ये थाना मानपुर पर पंजीबद्ध किया गया था। इसमें SDOP मानपुर, इसमें SDOP महू जो है विनोद शर्मा, उनकी टीम ने इसमें त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए इसमें सारे पहलुओं पर जाँच की, और ये बात इसमें सामने आई कि जो मृतक था ये रामदास रामेश्वर जाट के खेत पर ये पिछले 4-5 साल से रह रहा था, वहाँ वहीं ये सोता था। और उसके कुछ इस तरह से कुछ इलिसिट रिलेशंस की बात सामने आई है, जिसके चलते वहाँ दो इसमें आरोपियों की इसमें पतारसी की गई, और उनके द्वारा ये घटना करना, उस अवैध संबंधों के चलते ये घटना करना स्वीकार किया गया है। और उसके पश्चात इसका गला घोट करके उन्होंने इसको मार करके कुएँ में फेंक दिया था। तो ये इसमें बहुत बारीकी से इसमें जाँच पड़ताल करते हुए जो SDOP और उनके थाने की जो टीम है, उसने इस केस का खुलासा किया है। दोनों आरोपियों को पकड़ा जा चुका है, और उनके द्वारा ये पूरा घटनाक्रम और जिस तरीके से वारदात की है उसको स्वीकार किया गया। बंडा बांध परियोजना के नाम से बांध बनाए जाने के संबंध में राज्यपाल के नाम सागर कलेक्टर को किसानों ने ज्ञापन दिया। बंडा धसान नदी उल्दन ग्राम में बंडा बांध परियोजना के नाम से बांध बनाए जाने के संबंध में अखबारों में सूचना जारी की गई है, जिसमें उल्दन ग्राम सहित 28 ग्रामों को डूब में आने का प्रस्ताव है। 28 ग्रामों के डूब जाने से क्षेत्र की करीब 35,000 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि डूब जाएगी, और क्षेत्र की लाखों जनता बेघर हो जाएगी, जिसका पुनर्वास कठिन होगा। इसके संबंध में सैकड़ों किसानों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर प्रीति मिथिल को ज्ञापन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। नाराज है, बांध नहीं बनने की बात कर रहे हैं, क्या इस पे एक्शन हो सकता है और क्या इस पे सही काम हो सकता है? जी, इसमें कुछ अभी किसान आए थे मेरे पास, उन्होंने ज्ञापन दिया है, उन्होंने राज्यपाल महोदय के नाम पे ज्ञापन दिया है, और इसको मैं सिंचाई विभाग के लोगों को बुलाती हूँ और उनसे पूछती हूँ मैं कि ये क्या मैटर है। किसान लोग कह रहे हैं कि अगर कोई बांध 5 मीटर आगे बन जाए। हाँ, ये उन्होंने कहा है किसानों ने, लेकिन इसका परीक्षण जो है वो सिंचाई विभाग के लोग बता पाएंगे। WRD डिपार्टमेंट के जो सब इंजीनियर्स हैं, वो फिजिबिलिटी होती है, बेसिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पर डैम बन सकता है, तो वी विल कंसीडर, हम लोग एक बार दिखवा लेते हैं। सुल्तानपुर के बल्दी राय में
प्राथमिक विद्यालय भवानीगढ़ की अध्यापिका प्रतिभा सिंह ने बच्चों को स्मार्ट क्लास की शुरुआत कर शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल कायम की है। बेसिक शिक्षा अधिकारी कौस्तुभ कुमार सिंह ने प्रोजेक्टर क्लास रूम का उद्घाटन फीता काट कर किया। अध्यापिका के इस कार्य की सराहना भी की। प्रतिभा सिंह ने बगैर विभागीय बजट के ही स्वयं खर्च कर विद्यालय के बच्चों के अच्छी शिक्षा के उद्देश्य से एक स्मार्ट क्लास शुरू की। यह जिले का प्रथम स्मार्ट क्लास है जो प्रतिभा सिंह ने अपने वेतन से चालू की है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राजेंद्र पांडे, रणवीर सिंह, समीम खान, प्रधान कृष्ण कुमार यादव, प्रधान राघवेंद्र सिंह समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। राजनांदगांव जिले के ग्राम मनकी में दूषित पानी पीने से सैकड़ों ग्रामीण डायरिया के चपेट में आने से उल्टी दस्त के शिकार हो गए। तत्काल स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप लगाकर ग्रामीणों का इलाज कर रही है। वहीं 5 लोगों की हालत खराब होने पर 5 मरीजों को जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया है। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर मनकी गांव में लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग डायरिया की चपेट में आ गए। प्राथमिक तौर पर दूषित पानी पीने से लोगों का बीमार पड़ना बताया जा रहा है। इनमें 5 से 7 गंभीर मरीजों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के बाद उनकी स्थिति में सुधार बताया जा रहा है। सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप लगाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। इसके अलावा घर घर सर्वे कराया जा रहा है। लोगों को डायरिया के लक्षण और इसके बचाव संबंधी जानकारी दी जा रही है। 10 बजे से 11 बजे मतलब 11 से बीच मेरी तबीयत खराब हुआ। उसके बाद मेरे को 12 बजे हॉस्पिटल लाए। अभी मेरा इलाज शुरू चालू मतलब चल रहा है। अभी ठीक है? हाँ ठीक है। क्या प्रॉब्लम हुई थी? उल्टी दस्त हो रहा है। ऐसी मुझे खबर लगी है, 4-5 कुछ आए हुए हैं मनकी से, वहाँ उल्टी दस्त की संभावना फैली हुई है। इनका इलाज चल रहा है, यहाँ पर हमारे पास व्यवस्था है। सर अभी क्या कंडीशन? स्टेबल है, अभी ठीक है। कांगेर जिले से 150 किलोमीटर की दूरी पर बसा 133 गांव का समूह परलकोट, जहां बांग्लादेश के विभाजन के बाद लाखों बंग समाज के लोगों को विस्थापित किया गया था। कहते हैं कि बंग समाज के लोगों में फुटबॉल का जुनून नस नस में होता है। इस क्षेत्र में युवा, महिला एवं पुरुष खिलाड़ी अपना भविष्य खेल में तलाश करते हैं। पर भले ही शासन खेल को बढ़ावा देने की बड़ी बड़ी बातें करता हो, लेकिन परलकोट अपने आप में एक सच्चाई और उदाहरण है कि क्षेत्र में खेल को जिंदा रखने के लिए आज भी लोग जूझ रहे हैं। पखांजूर का एकमात्र फुटबॉल स्टेडियम है जो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है, और सिर्फ कांकेर जिला नहीं बल्कि आसपास के किसी अन्य जिलों में हरी घास से बना इतना सुंदर मैदान नहीं है। वहीं क्षेत्र के लोगों ने फुटबॉल को जिंदा रखने के लिए चंदा इकट्ठा कर अब तक परलकोट ट्रॉफी के नाम पर 3 बार ऑल इंडिया फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन इतनी छोटी जगह में कर ये साबित कर दिया कि फुटबॉल बंग समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण खेल है। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद यातायात और रहने की अच्छी सुविधा न होने पर भी बड़े बड़े महानगरों से आए हुए खिलाड़ियों को पखांजूर के खेल प्रेमियों और मैदान ने उनका दिल जीता। इस क्षेत्र में निवासरत बहुत से खिलाड़ी देश के बड़े बड़े टीमों में अपना जौहर दिखा चुके हैं। वहीं आज भी क्षेत्र से हर साल कई बच्चे खेल में अपना भविष्य तलाशते कोलकाता में प्रशिक्षण लेने जाते हैं। इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं में प्रतिभा होने के बावजूद उन्हें उनका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। पखांजूर में खेल की कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई जरिया है कि युवा मंजिल पा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। परलकोट को बसाए जाने के बाद यहाँ पे जो खेल है वो लुप्त हो गया कहीं ना कहीं। आप किस कमिटी है जो परलकोट फुटबॉल ट्रॉफी के नाम से 3 बार जिले में ऑल इंडिया टूर्नामेंट करवा लिए हैं, किस प्रकार ये ऑल इंडिया टूर्नामेंट करवा पाए हैं आप लोग? बंगालियों के साथ फुटबॉल का जुड़ाव रहते हैं और पूर्व में इस मैदान में अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी आए और खेला गया, पर कुछ कारणों को आज की जो स्थिति है लोगों को मानसिकता क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा, क्योंकि व्यापारी खेल है और उस पर रुझान थे, तो हम लोग क्या पहले भी खिलाड़ी थे और एक सोच आई कि कम से कम अपने समाज के जो फुटबॉल के स्थिति में जो जुड़ाव थे उसको कैसे बचाए रखा जाए। शासन से आप लोगों को किस प्रकार की मदद मिली? शासन में आज तक की 3 साल निरंतर राष्ट्रीय लेवल पे खेल हो रहा है, आज तक 1 रुपया की मदद नहीं मिली। अपने स्तर पे इसको करके उस खेल को समापन करते हैं। देखिए, यहाँ दूर संचार जगह है, यहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, किस प्रकार का असर पड़ता है इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना जहाँ पे देश के काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं,
कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आप लोग? बहुत भारी समस्याओं को मुश्किलों का करना पड़ता है सामना, क्योंकि एक तो यहाँ अच्छे होटल नहीं है, रहने की व्यवस्था घर घर में करना पड़ा, कोई अच्छे भवन भी नहीं है, दूसरी बात शासन स्तर पर कुछ भी सहायक नहीं मिलते, ऐसे तो शासन ढीढ़ पिटाया जाता है कि खेल के लिए, खेल को जगाने के लिए, फुटबॉल को जगाने के लिए करोड़ों रुपये बजट आते हैं, पर इतने अति संघर्षित क्षेत्र होने के बाद भी आज तक निरंतर फुटबॉल खेला जा रहा है एवं राष्ट्रीय स्तर खेल आयोजन की जा रही है, पर शासन की कोई भी सहायक आर्थिक भी सहायता नहीं होती, दूसरी तरफ भी तो सहायता नहीं करती। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सार प्रदेश। मौका हो जब खुशियों का तो लड्डू खाइए, और जब बात हो खुशियों की सवारी की तो आपकी लड्डू कैब बहुत जल्द आपके शहर में।